This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content.

उसके बाद फिर नीचे आया थर्टी फोर और इस उतार चढ़ाव के दर हमने देखा कि मार्केट जो है तमाम के तमाम दुनिया की मार्केट एक्सेप्ट चाइना डिप करती चली गई यूरोप जैसा कि हम देख रहे थे उस वक्त मार्केट ऊपर से नीचे आई थी तो यूरोप पूरा नेगेटिव गया फुटसी माइनस एटी सिक्स डैक्स वन ट्वेंटी सिक्स कैक सेवेंटी थ्री आई बैक्स वन थर्टी फोर और इसी तरह फिर जब यूरोप अमेरिका की मार्केट खुली थी डॉ भी माइनस नेसडेक्स माइनस सिक्स एस एन पी माइनस वन और जब सुबह को मार्केट इधर एशिया में खुली तो फिर यहाँ पे नेगेटिविटी नज़र आई निके हंड्रेड एंड फोटीन माइनस हैंंगसैंग हंड्रेड फोर्टी नाइन माइनस शंघाई से सिक्सटी वन प्लस था बीच टू पॉइंट टू सेवन सेंसेक्स में वन थर्टी थ्री का लॉस सिंगापुर में ट्वेंटी टू का लॉस तेल की कीमत uh, जो आखिरी रिपोर्ट हुई है यहाँ पर वो थर्टी वन पॉइंट जीरो फाइव है जबकि कुछ देर पहले रात को शायद ये थर्टी फोर नाइन्टी पर क्लोज थी गैस की कीमत में भी कमी आई और ये टू पॉइंट टू का हो गया जब हमारी मार्केट खुली माशाल्लाह हमारे यहाँ हालात और लोगों से बेहतर हैं कि मार्केट हमारे खुलते ही कल की इतनी बड़ी इजाफे के बाद आज फिर एकदम से मार्केट ने शूट किया टू नाइन्टी वन प्लस पे गई थर्टी टू थाउजेंड का लेवल क्रॉस करके वन सिक्सटी नाइन पे पहुँची उसके बाद थोड़ी नीचे आई फिर थर्टी टू का क्रॉस किया वन सिक्सटी फाइव 32165 प्लस 287 हो गया उसके बाद फिर थोड़ी सी नीचे आया और फिर 250 प्लस और उसके बाद अभी जो आखिरी फिगर दिया गया वो 156 प्लस वॉल्यूम भी अच्छे हैं आइए एक लाइव कॉल से बात करें साहब वाईम जनाब जनाब शाह मार्केट तो अच्छी जा रही थी मगर आसिफ में ज़रा प्रेशर रोजाना आ ही जाता थोड़ा बहुत ये एक दो महीने से मैं ये देख रहा हूँ मगर ये भी आता है ना पी का भी याद मैं आपको कल को तो बता रहा बिल्कुल ये ये पीआई का लूट की सेल लगी हुई थी मैं अपना वो तो मैं आपको तो बेचने अच्छी बात है मगर गवर्नमेंट के काम तो उतना नहीं चलाना मगर तारिक भाई ये ये अपना एक रुपये का माल एक आने में बेचना भी जायज़ नहीं ना ये मुल्क भी तो बर्बाद पे जा रहे हैं ये लोग गवर्नमेंट इंटरेस्ट नहीं ले रही पी आई ए स्टील मिल और जो डी सी पी पी सब अपने अपने में लगे हुए हैं और गवर्नमेंट टैक्स तो लेती रही इनकम टैक्स तो किसी से लेने जानती नहीं है किसी को भी जोर चलता नहीं वो तो गरीब पर जोर लगा देती लेके यही मैं गुजरना चाहता हूँ बाकी स्टॉक मार्केट में तेजी आ सकती है ये गवर्नमेंट ने चार पांच टैक्स लगाए हैं बता के वास्ते से वहाँ आप चेक टैक्स लगाए हुए इतने सारे इसलिए मार्केट का वॉल्यूम नहीं बढ़ा आज से दस साल पहले नब्बे नब्बे करोड़ का वॉल्यूम होता था अभी को नहीं वॉल्यूम होता और ये वॉल्यूम बढ़ेगा नहीं जब तक गवर्नमेंट कुछ करेगी नहीं करेगी इंटरेस्ट नहीं ले रही गवर्नमेंट द्वारा टैक्सेस की बात आपकी सही है गवर्नमेंट को जहाँ मौका मिलता है जो पहले से जो टैक्स शुदा जगह होती है उसी पे मज़ी टैक्स लगाती चली जाती है अभी एक पाइपलाइन बिछना है यहाँ से लाहौर तक जिसके लिए रशिया 2.5 बिलियन ख़र्च कर रहा है लेकिन ये गवर्नमेंट कह रही है कि 101 बिलियन आवाम से भी लेना है उसको मैंने तजवीज़ दी कि आप आवाम से ना लें आप एक इसकी लिमिटेड लाइब्रिटी कंपनी बनाएँ शेयर फ्लोट करें मार्केट में हमसे ले लें एज इक्विटी और उसके बाद उसका जो प्रॉफिट होगा ज़ाहरा प्रॉफिट होगा जब एल एन जी कराची से लाहौर जाएगा तो उसकी एक फ़ीस ली जाएगी उन पाइप कंपनी को से लेगी तो उससे आप रिकवर करें ना कि इस तरह से लें जहाँ तक पी आई का ताल्लुक है गवर्नमेंट ने इन्वोक कर दिया एसेंशियल सर्विस का रूल और अब आस्ते आस्ते अब मुझे लगता है कि ये मामला ठंडा पड़ जाएगा क्योंकि ये होना तो है एक जहाज़ पर जहाँ पूरी दुनिया में डेढ़ सौ लोग होते हैं यहाँ साढ़े सात सौ लोग बर्दाश्त नहीं किए जा सकते मैं ये बाकी छः सौ लोगों की ए, क, क, की तनख्वाह मैं क्यों दूँ आप क्यों दें वो आए नॉर्मल तरीके से काम करें नॉर्मल प्रोडक्टिविटी करें तो उनको नॉर्मल सैलरीज मिलेंगी नेशनल बैंक में एक एक ड्राइवर की तनख्वाह लाखों में है ये कैसे होता है भाई जब इस मुल्क में बाकी लोगों को दस हज़ार की भी नौकरी नहीं मिल रही तो नेशनल बैंक के जो ड्राइवर है कोई बहुत ही स्पेशल चीज़ है कि उसको एक लाख रुपये हम तनख्वाह दें और हम भरें उसके लिए नहीं ये सब चीज़ें अब नहीं चलेंगी मार्केट फोर्सेज पर आपको चलना पड़ेगा सर्वाइवल ऑफ़ द फिटेस्ट है इफ़ यू कैन सर्वाइव फाइन इफ यू कैन नॉट सर्वाइव यू 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 डोंट सर्वाइव। कैपिटलिस्ट इकॉनमी होती है जो हमारी है इसमें तो कोई फेवरेटिज्म uh, नहीं चलती है आपको अपने सर्वाइव करता है ऑन योर ऑन योर ओन स्ट्रेंथ ये सपोर्ट सपोर्ट ख़त्म हो जाएगा तो uh, ये नेशलाइजेशन के बाद आप देखेंगे डिनेशलाइजेशन के बाद मजीद जितनी चीज़ें हैं सब डिनेशलाइज होंगी साथ ही साथ मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप पावर सेक्टर को बिल्कुल आ, 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 डी रेगुलेट कर दें अभी ख़बर आ रही है कि नेपराज ने कुछ रिकमेंडेशन दी थी आ, वाटर के जो छोटे छोटे प्लांट्स आ, लोग लगाना चाह रहे हैं दस से लेकर पच्चीस मेगावाट के आ, कश्मीर में और के पी में आ, उसको गवर्नमेंट फैसले ही नहीं कर पा रही है क्योंकि गवर्नमेंट ये सोच रही है कि एलएनजी जो आने वाली है उससे जो बिजली बनेगी शायद वो ज़्यादा सस्ती होगी और ये फैक्ट है कि अब जो एल के रेट्स आ गए दुनिया में बहुत सस्ते एल आने वाली ऑलमोस्ट फ्री तो जो भी चीज़ एल से बनेगी उसमें जाहिर है बहुत कॉस्ट कटिंग लेकिन के पी में और आज़ाद कश्मीर में बहुत सारे पॉइंट्स हैं जहाँ वेरी फास्ट रनिंग रिवर्स हैं उसके ऊपर अगर ये दस पच्चीस मेगावाट के प्लांट लगे बहुत सारे लोगों ने उस उसमें तजवीज़ दी हुई है उनकी एक हेयरिंग भी हुई है मिनिस्टर से लेकिन अभी तक कोई फ़ैसला नहीं हो रहा तो गवर्नमेंट बहुत स्लो है अपने फैसले करने में फ़ैसला करना है तो करें तकरीबन तेरह रुपये का उनको रेट दिया हुआ है अब दे दिया तो दे दिया अब चलें तीस साल के लिए आप दे दें फिर देखा जाएगा आ, आ, वैसी पहले भी आप बहुत लोगों को दे चुके हैं तो और थोड़े से लोग हैं ज़्यादा इतनी बड़ी रकम भी इन्वाल्व नहीं है यहाँ आइए एक लाइफ कॉल से बात करें अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम जनाब सर कैसे हैं मैं ठीक हूँ जी सर सैबको की ट्रेडिंग दस दिन से सस्पेंड हुई हुई है वही देखिए ना गवर्नमेंट की ऐसी बात हुई है तो वो कह रहे हैं कि हमने उनको पेमेंट भेज दी है लेकिन वो कंफर्मेशन कोई नहीं हो रही मतलब समझ नहीं आ रही कि कहाँ पे मसला है देखिए दो चीज़ें थी इसमें एक तो थी कि जो गवर्नमेंट की पेनल्टी थी वो माफ़ करनी थी उस पर तो एग्रीमेंट हो गया लेकिन इनको मज़ीद फाइनेंशियल सपोर्ट भी चाहिए ये मरे कैसे ये ठीक ठाक कंपनियाँ बनी थी सब ने अपने कैपिटल वगैरह सब सही रखा था वर्किंग कैपिटल भी था लेकिन जब एक तवील मुद्दत तक इनको पेमेंट डिले हुई तो इनके सारे पैसे वैसे ख़त्म हो गए इनको अब रिकैपिटाइज़ करने की ज़रूरत है इनको फिलहाल एक वर्किंग कैपिटल लोन देने की ज़रूरत है जो गवर्नमेंट को अरेंज करना चाहिए ताकि सारी ये प्लांट चल पड़े जो रुके हुए हैं इसी तरह मैं डिमांड करता हूँ कि ये जो आ, 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 अक्टूबर में नेपरा ने जो तेरह तकरीबन तेरह रुपये का रेट दिया था कोई आठ दस आ, लोग हैं जो लगाना चाह रहे हैं आ, पानी का प्लांट तो उसको उनको जल्दी जल्दी ये को नोटिफाई करना चाहिए और जो एलएनजी से जो बनने की बात हो रही है वो अपनी जगह पे वो होती रहेगी आइए एक लाइव कॉल से बात करें हेलो हेलो जी हेलो अस्सलाम वालेकुम पास्लाम जी आप तारिक साहब मालूम करना था हब पावर और एफएफसी के बारे में बता देंगे डिविडेंड कितने परसेंट देता है और ये शेयर लेने चाहिए एसएस दूसरा क्या होता जी हब पावर के बाद एसएस डॉक्टर साहब क्या बोला था इन्होंने ऐसे ज... अच्छा हबको की बात बता दूं ये तकरीबन दस रुपये का डिविडेंड देता है और इसका जो डिविडेंड है वो फिक्स्ड है डॉलर में आ, ये जब आ, स्टार्ट हुआ था इसका जो डिविडेंड था वो दो रुपये के करीब था लेकिन जैसे जैसे पाकिस्तान रुपीस डिक्लाइन किया है इसके डिविडेंड बढ़ता चला गया और तकरीबन ये दस रुपये दे रहा है कैप को इसी तरह आठ रुपये देता है फिक्सड है इसको फिक्स रेट पर तेल मिलता है फर्नेस ऑयल मिलता है और ये फिक्स रेट पर गवर्नमेंट को बेचता है तो इनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है फिक्स है ये दोनों प्लांट जो हैं इंटरनेशनल ऑयल वालों ने लगाई थी जिनको हम अच्छी तरह जानते थे बहुत बड़ी अमेरिकन कंपनी है और वो जो अपने एग्रीमेंट बनाते हैं बड़े फिक्स होते हैं बड़े सॉलिड होते हैं उससे उसमें आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान गड़बड़ नहीं कर सकती जैसे दूसरे आई पी के साथ किया इन्होंने से बात करें जी सामकम मैं उस्मान बात कर रहा हूँ मुल्तान से मैंने एम के बारे में पता करना है सर एम डी टी एल मैं बोल नहीं सकता ये हमारी अपनी कंपनी है ये नॉन में इसका नाम था तो मैं इसका शेयर होल्डर मेरे पास इसके तो मजबूरी तो है मेरी कि मैं इस आ, अपने शेयर के बारे में बात नहीं कर सकता जिस चैनल पर बैठ कर बोल रहा हूँ उस, उसी की बात आप पूछ रहे हैं ये कुछ भी बोलूँगा तो इनसाइडर इंफॉर्मेशन लीक की जुमरे में आ जाएगा आइए एक और लाइव कॉल ला से बात करते हैं E. E. बिल्कुल तो सही शाह और ये इकोनॉमिक रियलिटी है या तो आप सोशलिज्म पे चले जाए पूरे के पूरे जो कि फेल सिस्टम है नहीं चला दुनिया में हर जगह फेल हो गया रशिया में भी फेल हो गया चाइना में भी फेल हो गया तो वो तो अब हो नहीं सकता तो प्राइवेट में तो यही होगा कि जो स, जो सर्वाइवल ऑफ़ द फिटेस्ट होता है जी नाजी यहाँ पर लूँगा छोटी सी ब्रेक तो बैक नाज्रीन प्राइम मिनिस्टर साहब की तक्री आपने सुनी एंग्रोपोलीमार कंपनी जिसका अक्सर जिक्र यहाँ पे आता है कि एक ज़्यादा वाइबल कंपनी नहीं है लेकिन उसके जो लॉसेस हैं वो इस दफ़ा काफ़ी कम हुए हैं पहले से आ, सिर्फ सिक्स फोर्टी नाइन मिलियन का लॉस हुआ जबकि इससे पहले पिछले साल एक वन पॉइंट जीरो टू बिलियन का हुआ था और उसकी वजह यह हुई कि इनकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम हो गई क्योंकि इनका जो फीड स्टॉक पेट्रोलियम बेस्ड है वो सस्ता हुआ तो इनके जो प्रॉफिट में ग्रॉस प्रॉफिट में इजाफा हो गया टू 2.7 पॉइंट सेवन बिलियन कम्पेयर टू वन और इस तरह से जो है डिस्पाइट द फैक्ट कि थोड़ी सी इनकी सेल कम भी रही क्योंकि ज़ाहिर है इनकी प्रोडक्ट की कीमत भी कम हुई है लेकिन इससे थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट आई लेकिन ख़तरनाक बात यह है कि एंग्रो कॉरपोरेशन ने इस कंपनी से जान छुड़ा लिया है उनको शायद ये इधराक हो गया कि जी इसमें कोई दम नहीं है इसको जान छुड़ाओ और उन्होंने अपनी फिफ्टी शेयर जो है वो बेच दी और मैनेजमेंट कंट्रोल uh, भी ख़त्म गया हो गया अब ये ई इज़ नो मोर पार्ट ऑफ एंग्रो कॉरपोरेशन दूसरी इम्पोर्टेंट खबर जो है मेरे पास वो ये है कि आईएमएफ ने जून 2016 की डेडलाइन दी हुई है पीआई के की प्राइवेटाइजेशन की और ये यही वजह है कि गवर्नमेंट ते तेज़ी से इस पर अमल कर रही है और ये होगा आई कॉल से बात करें हेलो नाजिन एक और जो अहम बात आज की है वो है अमरीका में जो पहला वो एक इलेक्शन वो हुआ है आयोवा में वहाँ बर्नी सैंडर्स नाम के एक साहब ने ज़बरदस्त कमाल किया है ही वो सोशलिस्ट हैं और बिल्कुल ऐसा नहीं समझा जाता कि आजकल के दौर में अमेरिका में ऐसे आदमी को इतनी पजीराई मिलेगी और क्लिंटन से वो नैक टू नै रहे हैं थोड़ी से पॉइंटेंट क्लिंटन जीत तो गई हैं लेकिन असल जीत बारनी सेंडस की हुई है क्योंकि उनके पास उनको जो आम लोगों ने बड़े रकम दिए और जिसकी एवरेज वैल्यू है सिर्फ सत्ताईस डॉलर और 3.3 मिलियन लोगों ने उनको एक कंट्रीब्यूशन दिया जबकि क्रिसिंग को बहुत सारे बड़े बड़े कंपनीज़ और बैंकों ने पैसे दिए हैं और इनका जो मशहूर है बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव है तो अगर ये पावर में आ गए अमेरिका में तो बहुत बड़ी तब्दीली आएगी जब उन्होंने अपनी इसके बारे में लिखा तो मैंने उसके ऊपर चार ट्वीट लिखे कोई चाहे तो पढ़ ले जिसमें मैंने लिखा है कि इसकी वजह यह है कि जब से बजट कट शुरू हुआ अमेरिका में अमेरिका वह अमेरिका नहीं रहा जो 1947 से 1914 तक रहा जब कर्ज़े लेता गया खर्च करता गया कर्ज़े लेता गया खर्च करता रहा अब कटिंग शुरू हो गई है तो पेन शुरू हो चुका है इसलिए आवाम अब चीखना शुरू हो गई है और एक सौ तीस आदमी को प्रायोरिटी दे रही है आइए एक लाइफ से बात करें सर वही जनाब

और जिसके पास मुल्क नहीं है उससे जाके पूछिए मुल्क का दर्द ये चीज़ मैं देख चुका हूँ रियलाइज़ कर चुका हूँ इसीलिए सबसे कहता हूँ कि अपने मुल्क से मोहब्बत करो मैंने एटी से लोगों से कहा अपने मुल्क में लगाओगे नुकसान भी हो जाएगा तो कोई अफसोस नहीं कि कोई अपना भाई बंदी खा जाएगा बाहर लगाओगे तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो जाएगी और हुआ लोगों को मैंने देखा बहुत ज़्यादा रोते पीटते हुए मगर पाकिस्तान में लगाया हुआ किसी ने अल्लाह का शुक्र कि रोने की जरूरत ही नहीं पड़ी और हो भी जाती नुकसान तो कोई मसला नहीं था आईक लाइव कॉल से बात करें असल साहब जनाब सर ये जो आज नवाज शरीफ ने जो प्राइम मिनिस्टर ने जो पावर प्रोजेक्ट के बारे में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस या कुछ किया तो उसको कुछ कियापको को कुछ फायदा होगा का कुछ पावर प्लांट बिल्कुल होना चाहिए जब आप इतनी बड़ी बड़ी तीन हजार छः सौ और इसकी बातें करें ये होगा 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 तो ये गरीब बेचारों को आपने जो मार के ख़त्म किया अपनी ईद पॉलिसीज के तहत उनको अगर जिंदा कर देंगे तो क्या चला जाएगा आपका सेबको के साथ साथ और जितने प्लांट्स बंद पड़े हैं सबको चलाना चाहिए शदीद जरूरत है यहाँ पे पावर की और ये खाली फ्यूचर की बातें करते रहते हैं सही है जी सेफ पावर और ये नया प्रोजेक्ट और बिजली की तो शॉर्टेज है यहाँ पे अगर वो अपनी वर्किंग कैपिटल को मेंटेन करें और प्रोड्यूस करते रहें तो दे शुड नॉट फेस एनी प्रॉब्लम इस तरह के और भी जितने इलेक्ट्रिक प्लांट्स आए हैं दे आर डूइंग वेल विदिन द पैरामीटर्स वो काम कर रहे हैं और इनको कोई प्रॉब्लम होनी नहीं, नहीं चाहिए uh, नाजिन uh, जो अमेरिका की मैं बात कर रहा हूँ वो उसके बड़े दूरस्त uh, वो हैं अभी जो दूसरे प्राइमरीज़ होंगे उसमें मुझे लगता है कि सेंडर्स आगे निकल जाएंगे और uh, अमरीका एक डिफरेंट ही बॉल गेम बन जाएगा जहाँ उनकी अब जरूरत भी है कि कॉस्ट कट की जाए तो अब वो कहेंगे कि छोड़ो अब दुनिया भर की चौधराहाट और अपने मुल्क के लोगों को ही देख लो तो बहुत है वहाँ लोगों को यकीन मानिए यहाँ आप लोग मेडिकल गरीब से गरीब आदमी भी हॉस्पिटल वगैरह चला जाता है वहाँ गरीब आदमी हॉस्पिटल नहीं जा सकता इतना ज़्यादा महंगा है फार्मा का जो वहाँ का लॉबी है इतना स्ट्रॉन्ग है कि एक एक डॉलर की चीज़ को दो सौ डॉलर की बना देते हैं आप छोटे से इलाज कराने जाएंगे दो सौ डॉलर खर्च हो जाएंगे आपके पास या तो हम लोग फार्मेसी से ले ठीक हो जाते हैं तो वो उसको सैंडर्स ने डायरेक्टली हिट किया है कि फार्मा लॉबी को तोड़ेगा वो आइक लाइव कॉल से बात करें हेलो हेलो जी साहब शाहिद बात कर रहा हूँ शाहिद साहब ये मालूम करना था ये एफएफसी जो है ये कैसा शेयर है डेविटमेंट देता है लेना चाहिए जी एफएफसी को हम किचन शेयर कहते हैं इसलिए कि जो कमाता है वो बांटता है आजकल इसका जो मेन काम है प्रोडक्शन का उसमें इंटरनेशनल लेवल से अगर देखा जाए तो प्रॉब्लम है क्योंकि हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो ज़्यादा हो गई है और इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त फर्टिलाइजर सस्ता बिक रहा है लेकिन गवर्नमेंट ने इनको प्रोटेक्शन दिया हुआ इसलिए इनका कारोबार सही है अगर ये प्रोडक्शन ना ना हो तो हमारी तमाम फर्टिलाइज़र कंपनियाँ बंद हो जाएँ नाजीन इसी के साथ प्रोग्राम खत्म करूँगा खुदाफ़िज